मिर्जापुर के अंदर कल रात यानी दिनांक 1/6/2021 को रात के लगभग 9:30 बजे के आसपास की हृदय विदारक घटना ने सबको हतप्रभ कर दिया है। शरे शाम इस तरीके से वारदात कई सवालों को जन्म देता नजर आया। बताना आवश्यक है कि दिनांक 1/6/2021 को 9:30 बजे के आसपास सिंचाई विभाग में कार्यरत मूलचंद पाल अपने घर की तरफ जा रहे थे कि हमलावरों ने ताबड़तोड़ गोलियों की बरसात करके वहीं पर ढेर कर दिया। हालांकि खबर पाते ही तत्काल पुलिस अधीक्षक और उनकी टीम पहुंच गई है और पहुंचने के बाद जो हमलावर थे वो तो भाग गए थे, लेकिन मूलचंद पाल को तत्काल जिला अस्पताल लाया गया जहां डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया। आज उनका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और मूलचंद पाल के समर्थकों का भारी भीड़ आप देख रहे हैं। देखिए क्या कहा कप्तान ने। सरेआम हत्या होती है, लॉकडाउन में सड़क सड़क पे है, क्या वजह थी सब, चुप कहाँ हो गई? ये शहर में रमई पट्टी बाजार में आज लगभग 9:30 बजे एक व्यक्ति की गोली मार दी और उसको अस्पताल में लाया गया। अस्पताल में लाकर लाया गया तो डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। उसका नाम हम लोगों के जानकारी में आया है, उसका नाम मूलचंद पाल है और वो सिंचाई विभाग में ड्राइवर पद पर कार्यरत है। सर वहाँ पे CCTV कैमरा लगाया, वो बाइक से थे, कुछ लोकेशन हो पाया क्या, नाकबंदी की गई अभी तक या कुछ प्रयास अभी तक कुछ सफल हुई है? चेकिंग के लिए बता दिया गया है और घटना के पर्दाफाश के लिए टीम भी लगा दी गई है और जो आप बता रहे हैं CCTV इन सबका परीक्षण करके हम जल्दी घटना का पर्दाफाश करेंगे। सर चौकी के पास है, कार्रवाई अब तक क्या कोई कार्रवाई करेंगे? चौकी के पास हत्या होना ये बड़ी बात है, क्या कार्रवाई होगी? हर चीज़ की समीक्षा कर रहे हैं, उसके बाद जैसा होगा कार्रवाई। ठीक।